दोस्तों, आज भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज ही के दिन हमारा भारत अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ था। जो पूरे इतिहास को देखा जाए तो 1857 के सिपाही क्रांति से लेकर 1947 तक के पूरे इतिहास को पूरा क्रांति का ही एक दौर चलता रहा, जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। 1857 की क्रांति से ही हमारे देश में राष्ट्रवाद का, पुनः राष्ट्रवाद का एक तरह से फिर से पुनर्जागरण हुआ। जो पहला राष्ट्रवाद का उदय देखा जाए तो वह शिवाजी महाराज के समय हुआ था, मराठा युद्ध के दौरान। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद एक पूरे जन जन को दहलाने देने वाली एक नई राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ, जिससे 1845 से लेके 1905 तक इतिहासकारों ने इसका संक्षिप्त विवरण किया है। उस समय राष्ट्रवाद के विवाद इस प्रकार से हैं, जिससे लोगों को और राष्ट्रवाद की हवा लगी, जैसे इलर्डविल विवाद, सिविल सर्विस की आयु कम कर देना, दक्षिण भारत में भयंकर अकाल के समय 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार तथा शस्त्र अधिनियम 1878 ईस्वी का आयोजन करना, यह सब जनता देखकर पूरी तरह से राष्ट्रवाद का उनके बीच निर्माण हुआ। फिर दूसरा जो मुख्य बिंदु है वह है बंगाल का विभाजन। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया। यह एक मुस्लिम बहुल प्रांत को ध्यान में रख के किया गया। भारत के बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। भारत के विभाजन का कार्य 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हो गया, जिससे लोगों में एक तरह का आक्रोश आ गया और वह पूरी तरह से सरकार को स्थगित करना पड़ा। तीसरे नंबर पे आता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसका निर्माण 1906 ईस्वी में हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ। वैसे तो कहा जाता है कि सर सैयद अहमद खान ने पूरी तरह से वो मुसलमानों को राजनीतिक दौर से दूर रहने की सिफारिश की थी, लेकिन वो लोग नहीं माने और मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। फिर चौथे नंबर पे प्रथम विश्व युद्ध आता है, जो 1915 से 1918 के बीच में पूरे देश में यहाँ की प्रेस स्वतंत्रता छीन ली गई और लोगों को एक तरह से जन जन की आवाज़ को दबा दिया गया, जिससे लोगों में एक तरह से और क्रांति जागृत हुई और लोग एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए, राष्ट्र के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए आगे आए। यह दमनकारी नीति पूरी तरह से अंग्रेज सरकार इसलिए अपना रही थी कि ताकि उसका दबदबा कायम रहे, लेकिन आज़ाद भारत के परिंदों को कोई नहीं रोक सका। उन्होंने अपना विद्रोह जारी रखा। उसी समय भारतीय राजनीति में गांधी जी का आगमन हुआ और वह पूरी तरह से देश को समर्पित करके एक नई विचारधारा का, अहिंसावादी विचारधारा का आगमन करके पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने का, पिरोने का काम करा। गांधी जी के आते ही कुछ समय बाद 4 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन की घोषणा की गई, जिसमें लगभग बहुत सारे लोगों ने भाग लिया। और उसी समय जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, उसी जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए और 1600 से 1700 लोग घायल हुए। इसी का आक्रोश प्रदर्शित करने के लिए असहयोग आंदोलन का निर्माण किया गया या फिर लाया गया, पूर्ण स्वराज। फिर उसके बाद में पूर्ण स्वराज आता है। मुख्य बिंदुओं में पूर्ण स्वराज आता है, जिसको ध्यान में रखते हुए
जिस इस विद्रोह को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और गोलमेज का गांधी जी द्वारा बहिष्कार किया गया। लाहौर अधिवेशन में भी उसका आक्रोश प्रदर्शन किया गया। 9 नवंबर पे सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक मार्च आता है। अंग्रेज़ों ने नमक पर कानून बना दिया था, जिसका विद्रोह करने के लिए गांधी जी ने एक सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें गांधी समेत कुल 79 लोगों ने अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा लगभग 385 किलोमीटर की और नमक कानून को तोड़ा। और अंततः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया। 8 अगस्त को गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश को एक सूत्र में पिरोते हुए भारत छोड़ो आंदोलन का अनुरोध किया गया, जिससे सभी लोगों ने मिलकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कुछ परिस्थितियों के बाद भारत दो टुकड़ों में बटकर आज़ाद हो गया। 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया और जितने भी मजदूर थे, मेहनत कष्ट लोग थे, उनको ज़मीन मुहैया कराया गया और जो जमींदारों की बची पूंजी या फिर जो जमींदारों की कर्ज था उसको माफ़ किया गया। एक तरह से वह सामाजिक स्तर पर बहुत बड़ा कार्य हुआ, जिससे हमारे देश के बहुत सारे गरीबों को एक तरह से जीने का सहारा मिल गया। फिर उसके बाद में आज़ादी का एक और सबब हम लोगों के सामने आता है, जो नव उपनिवेश काल से जुड़ा हुआ है। नव उपनिवेश काल में बहुत सारे देशों को यह करके लोकतांत्रिक बना दिया गया कि अब कोई भी राज्य, अधिकतर राज्य दुनिया के लोकतांत्रिक हैं। लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा यह नीति अपनाई गई कि कोई भी व्यक्ति हमसे सामान ले या फिर जितने भी विकसित देश हैं उनके द्वारा विकासशील देशों का शोषण इस तरीके से किया जाए कि उन्हें आर्थिक रूप से पूरी तरह से उनका जितना भी कल कारखाना हो उसको पूरी तरह से प्राप्त करके फिर उसके बाद में अपने देश का पूरी तरह से अर्थव्यवस्था का मकड़ जाल फैलाया जाए, जिससे वह उसमें उलझकर बर्बाद होते रहें। और फिर उसके बाद में वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और जो कल कारखाने हैं वो पूरी तरह से धीरे धीरे करके ध्वस्त होते। आज आधुनिक समय में आज़ादी का जो प्रमुख बिंदु आता है वह है सामाजिक आज़ादी और सोशल मीडिया या विभिन्न इलेक्ट्रिक साधनों की आज़ादी। यदि आप किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी समाचार या न्यूज कुछ भी देखते हैं तो कुछ समय बाद आपको वही, जिस तरह से आप एक बार सर्च कर लेते हैं वही उसी प्रकार की बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाए जाने का प्रयास किया जाता है। यह एक प्रकार से हमारे मानसिक आज़ादी को छीना जा रहा है, जिसे हमें बहुत ज़रूरी रूप से निरंतर रूप से ध्यान देना चाहिए, तभी पूर्ण रूप से हमारी आज़ादी हो सकती है। इसके साथ ही स्त्रियों की शिक्षा, घरेलू पशुओं की देखभाल, उनकी भी पूर्ण स्वतंत्रता का, जंगली जानवरों की स्वतंत्रता का ध्यान रखना चाहिए, तभी पूर्ण रूप से हम आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक कहलाने के लायक हो सकते हैं। धन्यवाद।